हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाइटकुंडली। आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे रीजंस बताऊंगी जिसके कारण से नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव करने में कई बार परेशानी आ सकती है। जो सबसे पहला रीज़न है वो है इररेगुलर पीरियड एंड इररेगुलर ओवुलेशन। कई बार ऐसा होता है कि हमें जो पीरियड है वो 30 दिन में आता है, 50 दिन में आता है, 3 महीने में आता है, 5 महीने में आता है, तो उसका मतलब है कि ये इररेगुलर पीरियड्स है। यानी हर महीने जो 30 दिन का साइकिल या 32 दिन का साइकिल, 28 दिन के साइकिल, इस टाइप से अगर आपको पीरियड नहीं आ रहा है तो वो मोमेंट पे इसे इररेगुलर पीरियड कहा जाता है। जब इररेगुलर पीरियड होता है तो उस मोमेंट में हार्मोन्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस होते हैं और ड्यू टू इररेगुलर पीरियड ओवुलेशन का जो प्रोसेस होता है वो नहीं हो पाता है। ओवुलेशन अगर होगा नहीं तो ओवरी में से ग्रोन और मैच्योर एग निकलेगा नहीं, तो स्पर्म जाकर किससे मीट करेगा और फिर वहाँ पर जो प्रेगनेंसी होती है वो प्रेगनेंसी के चांसेस जो होते हैं वो निल हो जाते हैं। जो सेकेंड रीज़न है जिसके कारण से प्रेगनेंसी आने में परेशानी हो सकती है वो है प्रॉब्लम इन फेलोपियन ट्यूब्स। ये एक फेलोपियन ट्यूब है, ये दूसरा फेलोपियन ट्यूब है। मान लीजिए अगर फेलोपियन ट्यूब में यहाँ कहीं पर ब्लॉकेजेस हैं तो जब ये वाला ओवरी के थ्रू ओविलेट होंगे तो ग्रोन और मैच्योर एग जब निकल के फेलोपियन ट्यूब के अंदर जाएगा और जब स्पर्म आकर एग से मीट करने की कोशिश करेगा तो यहाँ कहीं पर ब्लॉकेज रहेगा, तो स्पर्म जाकर एग के साथ मीट नहीं कर पाएगा, तो वहाँ पर प्रेगनेंसी नहीं आ पाती है। कई बार ऐसा होता है कि फेलोपियन ट्यूब में जो ब्लॉकेजेस है वो नहीं है, दोनों फेलोपियन ट्यूब ओपन है, लेकिन जो फेलोपियन ट्यूब है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहा है। फेलोपियन ट्यूब का फंक्शन ये होता है कि जब ओवरी में से ग्रोन और मैच्योर एग रिलीज होता है तो उस टाइम पे फेलोपियन ट्यूब उसको कुछ इस तरीके से पकड़ के अपने अंदर खींच लेता है। अगर मान लीजिए कि वो इस तरीके से खींच नहीं पा रहा है और फेलोपियन ट्यूब में सही ढंग से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं हो पा रहा है या फिर फेलोपियन ट्यूब के ऊपर पे कोई स्कार टिश्यूज़ हैं, तो उस टाइम पे भी प्रेगनेंसी आने में तकलीफ होती है। जो तीसरा रीज़न है इसमें यूट्रस का जो शेप है वो एबनॉर्मल होना। जनरली यूट्रस का जो शेप होता है वो पियर शेप में होता है, ये एक इन्वर्टेड पियर शेप की तरह होता है। अगर आप ये इमेज को देख रहे हैं तो ये यूट्रस है, ये इसे बच्चादानी भी कहा जाता है। एक फर्टिलाइज होकर जब इस यूट्रस की लाइनिंग में इम्प्लांट होता है तब जाकर प्रेगनेंसी आती है। और ये जो यूट्रस होता है ये मस्कुलर बॉडी होता है, जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती रहती है वैसे वैसे यूट्रस जो होता है वो बड़ा होता रहता है। अगर मान लीजिए अगर इसका शेप पियर शेप में ना होकर वो हार्ट शेप में है या फिर यूट्रस में यहाँ कहीं पर ब्लॉकेजेस या ऑब्स्टिकल है, तो उस मोमेंट में प्रेगनेंसी कंसीव तो हो जाता है लेकिन जो प्रेगनेंसी है वो टिक नहीं पाता है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो यूट्रस का जो शेप है वो शेप सही होना चाहिए। जो फोर्थ रीज़न है वो है सर्वाइकल म्यूकस एबनॉर्मेलिटी। इसमें होता क्या है कि जो सफ़ेद पानी शरीर में से निकलता है अगर उसमें कोई एबनॉर्मलिटी रहती है तो उस मोमेंट पे भी प्रेगनेंसी कंसीव करने में परेशानी होती है। इसको बताने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जैसे ही हमारा पीरियड ख़त्म होता है उसके बाद शरीर में से सफ़ेद पानी जो रहता है उसका जो डिस्चार्ज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे जैसे ओवुलेशन के पास जाते हैं वो मोमेंट पे काफ़ी ज़्यादा सर्वाइकल म्यूकस निकलने लगता है। सर्वाइकल म्यूकस क्या काम करता है, वो एक स्पर्म के लिए एक वे प्रोवाइड करता है। उस सर्वाइकल म्यूकस के थ्रू जो स्पर्म है वो वजाना के थ्रू जाकर वो एग तक ट्रैवल कर पाता है। अगर सर्वाइकल म्यूकस वाटरी ना होकर अगर वो काफ़ी ज़्यादा थिक रहता है तो उस मोमेंट में वो स्पर्म को आगे की तरफ मूव नहीं होने देता है। तो इसीलिए ओवुलेशन के टाइम पे अगर आप ध्यान देते हैं तो देखिएगा कि जो सर्वाइकल म्यूकस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिची रहता है और रॉ एग की तरह रहता है। अगर आप ये इमेज देख पा रहे होंगे तो अब यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये जो अभी जहाँ जैसा सर्वाइकल म्यूकस है ना, इसका मतलब अगर ऐसा सर्वाइकल म्यूकस है तो आने वाले 12 से लेकर 24 घंटे के बाद जो है वो ओवुलेशन का प्रोसेस हो सकता है। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो सफ़ेद पानी जो वाइट डिस्चार्ज है उसमें एबनॉर्मेलिटीज नहीं होनी चाहिए। जो फिफ्थ और द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न होता है जिसके कारण से कई बार नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाते हैं, तो उसका मेन रीज़न ये होता है कि लो प्रोजेस्टेरोन लेवल होना। अगर बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की लेवल कम होती है तो उसके कारण से भी प्रेगनेंसी कंसीव करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम क्या होता है कि वो ये जो यूट्रस की लाइनिंग होती है इसको ग्रो करता है और इस तरीके से बनाता है कि अगर यहाँ पर
फर्टाइल एग आकर इम्प्लांट होता है या चिपकता है तो उसको सारे न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो सके और साथ ही साथ उसका जो ग्रोथ है वो अच्छे ढंग से हो सके। अगर मान लीजिए कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की लेवल कम है तो उस मोमेंट में ये जो एंडोमेट्रियम वॉल है या फिर ये जो यूट्रस की लाइनिंग होती है ये टूट जाती है और टूट कर वो एज अ पीरियड बाहर आ जाती है। तो प्रेगनेंसी के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की लेवल जो होती है वो हाई होनी चाहिए। अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की लेवल कम हो गई तो उस मोमेंट में प्रेगनेंसी ठहरेगी नहीं क्योंकि एंडोमेट्रियम लाइन या फिर यूट्रस की लाइनिंग जो है वो टूटना शुरू हो जाती है। जो सिक्स्थ रीज़न होता है जिसके कारण भी कई बार प्रेगनेंसी नेचुरली कंसीव करने में परेशानी होती है वो है लो AMH वैल्यू या फिर वेरी हाई AMH वैल्यू होना। लो AMH वैल्यू एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ओवरीज होते हैं ओवरीज के अंदर अभी अंडों की संख्या कितनी बची हुई है ये बताता है AMH टेस्ट के थ्रू हमें पता चलता है। कई बार अगर AMH की जो वैल्यू होती है वो 1 के नीचे है तो इसका मतलब है कि ओवरीज के अंदर अभी जो अंडों की संख्या है वो काफ़ी कम बची हुई है। तो इस मोमेंट पे आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अगर आप अच्छे से अच्छा फर्टिलिटी ट्रीटमेंट कराते हैं तो उससे प्रेगनेंसी नेचुरली कंसीव करने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अगर मान लीजिए AMH की जो वैल्यू है वो 6 nanogram per ml के ऊपर होती है तो उस मोमेंट में बॉडी अंडे तो बहुत ज़्यादा बनाती है लेकिन कहीं ना कहीं अंडों की जो क्वालिटी होती है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो उसके लिए आपको से कंसल्ट करना चाहिए। जो सेवेंथ रीजन है जिसके कारण से भी प्रेगनेंसी आने में परेशानी हो सकती है वो है मेल इनफर्टिलिटी। कई बार वुमेन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, उनके दोनों फेलोपियन ट्यूब ओपन है, यूट्रस भी अच्छा है, फेलोपियन ट्यूब भी अच्छे से फंक्शन कर रहा है, एग की क्वालिटी भी अच्छी है, AMH जो टेस्ट का जो लेवल है वो भी नॉर्मल रेंज में है लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी को वो कंसीव नहीं कर पाते हैं। तो उस मोमेंट में कई बार ऐसा हो सकता है कि मेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो। मेल इनफर्टिलिटी में इशू क्या होता है, अगर स्पर्म काउंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है तो उस मोमेंट में भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाते हैं नेचुरली, या फिर स्पर्म मोटिलिटी अच्छी नहीं है। स्पर्म मोटिलिटी का मतलब होता है कि स्पर्म जो है वो वजाना से लेके उसको एग तक खुद से ट्रैवल करना पड़ता है, अगर वो ठीक ढंग से फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं कर पाता है तो उस मोमेंट में भी प्रेगनेंसी नेचुरली कंसीव करने में परेशानी होती है। और तीसरी बात यह है कि अगर स्पर्म मोर्फोलॉजी अच्छी नहीं है, यानी जो स्पर्म का जो स्ट्रक्चर होता है, स्पर्म का जो हेड टेल और जो मिड पोर्शन है अगर उसमें डैमेजेस होते हैं तो उस मोमेंट में भी वो हेल्दी स्पर्म नहीं कहा जाता है, जिसके कारण से अगर एबनॉर्मल मोर्फोलॉजी ज़्यादा होती है तो उसके कारण से भी प्रेगनेंसी आने में कई बार बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो अगर स्पर्म काउंट, स्पर्म मोटिलिटी और स्पर्म मोर्फोलॉजी में कोई तकलीफ है या मेल इनफर्टिलिटी की ज़्यादा शिकायत है तो उस मोमेंट पे आप यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए। जो एट्थ रीज़न है जिसके कारण से भी प्रेगनेंसी नेचुरली कंसीव करने में परेशानी हो सकती है वो है ओवरवेट होना। अगर मान लीजिए आपका वेट काफ़ी ज़्यादा है तो जितना ज़्यादा वेट होगा उसका मतलब है कि शरीर में उतनी ज़्यादा फैट्स होंगे, जितना ज़्यादा फैट होगा उतना ज़्यादा ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ेगा, ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ेगा तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की लेवल कम होगी जिससे कि हार्मोन इंबैलेंस होगा और प्रेगनेंसी आने में और ठहरने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना वज़न कम करना है और अगर आपका BMI 35 से ज़्यादा है तो पहले आपको वज़न कम करके अपना जो BMI है वो 30 के अंदर लाना चाहिए। इससे प्रेगनेंसी नेचुरली कंसीव करने में जो नेचुरली कंसीव करने के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो नाइन्थ रीज़न है वो है एंडोमेट्राइसिस। एंडोमेट्राइसिस में क्या होता है कि ये जो यूट्रस की जो लाइनिंग होती है इसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है, ये हर महीना बनती है, बढ़ती है और टूट के बाहर आ जाती है। तो एंडोमेट्राइसिस में ये जो लेयर अंदर की तरफ यूट्रस के अंदर ये लाइनिंग बननी चाहिए ये यहाँ पर ना बनकर ये ओवरी के ऊपर बनती है या फिर फेलोपियन ट्यूब के ऊपर बनती है या फिर यूट्रस के ऊपर बनती है। तो इस मोमेंट में भी कई बार प्रेगनेंसी नेचुरली कंसीव करने में परेशानी क्रिएट हो सकता है। एंड द लास्ट रीज़न इज़ अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अगर आपका जो स्लीप पैटर्न है वो सही नहीं है, आप बहुत देर तक रात में जाग रहे हैं और आप 6 से 8 घंटे तक की नींद सही ढंग से नहीं ले पा रहे हैं या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं तो इससे भी कई बार हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं और ये सारे फैक्टर्स जो रहते हैं ये ओविलेशन प्रोसेस को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका जो स्लीप पैटर्न है वो अच्छा होना चाहिए, यानी आप 10:30-11 बजे तक सो जाए और सुबह 5-6 बजे तक आप उठ सकें, करीब करीब 6 से 8 घंटे तक की आपकी नींद होनी चाहिए और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। स्ट्रेस जितना ज़्यादा लेंगे उससे कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ेगा और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो रहता है वो कम हो जाता है। दूसरी बात, अगर आप पोल्यूशन में बहुत ज़्यादा रहते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि आप ज़्यादा पोल्यूशन में ना रहिए,
ज़्यादा मात्रा में जंक फूड जो रहते हैं उनको अवॉइड करिए। जितना ज़्यादा जंक फूड खाएंगे उससे भी हार्मोन इम्बैलेंस होने के खतरे बढ़ते हैं। तो अगर आप हेल्दी डाइट लेते हैं और सही एक्सरसाइज करते हैं तो उससे जो प्रेगनेंसी नेचुरली कंसीव करने के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ते हैं, क्योंकि जो हार्मोन्स होते हैं वो काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाते हैं। ये सारे कुछ रीजंस हैं जिसके कारण से प्रेगनेंसी नेचुरली कंसीव कर पाने में परेशानी हो सकती है। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने डाइट में ऐसे कौन से फूड आइटम्स को ऐड करिए जिसके कारण से जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की लेवल है वो नेचुरली इंक्रीज कर सके। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, और आपके कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा। थैंक यू।